सामने जो आप लोग भैंस देख रहे हैं बिल्कुल गहरे काले रंग की महीन और बारीक चमड़ी वाली, ये एक दुधारू भैंस है। इस मेला मंडी में बिक्री होने के लिए आई है। जानकारी के लिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि दिलदारनगर का यह मेला मंडी प्रत्येक रविवार के दिन लगता है। जब भी आप लोग को इस मेला मंडी में आना होगा तो रविवार के दिन ही आए। सुंदर ले आइए, काफी मध्यम आकार का इसका राउंड सर्कल वाला सिंह है। दूसरे ब्यात में बताई जा रही है 16 लीटर दूध बता रहे हैं और बच्चा पाना है ना। इधर ले आइए, यहाँ पे ले आइए। 16 लीटर दूध वाली जो भैंस है कुछ इस तरह से दिख रही है। इसकी थनों की बनावट कुछ इस तरह से, एक समान दूरी के साथ एक समान लंबाई, जो इसकी दुग्ध सिराएं हैं वो साफ झलक रही है, है ना। ले चलिए हम जी। इस भैंस की खरीदारी करने के लिए कुछ ग्राहक भी लगे हुए हैं। इसका बच्चा पाड़ा है ना बाबू, पाड़ा है। और क्या दाम रखे हैं इसका? दाम 1.35 है। जरा देने वाला बताइए। देने वाला 1.25 पे हो जाए। 1.25 पे थोड़ा एक लाख 25,000 रुपये में इस दुधारू भैंस को यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसके पास बच्चा पाड़ा है। कितने रोज का है पाड़ा? 3 रोज का बच्चा पाड़ा है। और दूध क्षमता इसका बता रहे हैं भाई 16 लीटर। ये गारंटी है कि वारंटी है? गारंटी है 16 किलो। 16 लीटर दूध नहीं करेगी तो कर देगी ना भैया? नहीं करेगी तो उठा के लेके जाएंगे, उठा कर लेके चले जाएंगे, क्या करना है। काफी सुंदर। इस भैंस की खरीदारी करने के लिए कुछ ग्राहक लगे हुए हैं, है ना। कुछ ऊंचा नीचा जरूर बिकेगी ये भैंस, 1 लाख रुपए के करीब बिक जाएगी हमारे ख्याल से, और ये मैं रियल बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई लोग, इस मेला मंडी की करीब आज 4 वीडियो बनती है और चारों के चारों वीडियो एक एक दिन पे अपलोड होती है। तो पूरी वीडियो अगर देखना होगा तो आज एक वीडियो देखिए, इसके बाद कल भी एक वीडियो अपलोड होगा इस मेला मंडी की, परसों भी होगा, नरसों भी होगा, है ना। बहुत से भाई चाहते हैं कि उन्हें मिनी भैंस मिले, उनके लिए देखिए ये हम लोग की तरफ मैनी भैंस बोला जाता है, है ना। रहने दीजिए। ये इस मेला मंडी में बिक्री होने के लिए आई है, इसके चाल ढाल में कोई भी कमी नहीं है। ले आइए भैया, ले आइए भाई लोग। हमें काफ़ी तपती धूप में मेहनत करना पड़ता है तब जाके आप लोग को एक वीडियो देखने को मिलता है, तो कृपया इस मेहनत को आप लोग सार्थक बनाएं, वीडियो को इस तरह से लाइक करें, और नए व्यक्ति हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस तरह के मेला मंडी की वीडियो लेके आऊँ वो देखने को मिले। भैया इसका बच्चा बच्चा पढ़िया है, मज़े की बात है, है ना। कितने रोज का बच्चा है ये? 8 रोज का बच्चा ये पढ़िया। ये कौन से बयान में है? तीसरे बयान में है। दूध क्षमता जरा बताइए कि दूध कितना ये देगी? दूध 12 लीटर दूध रेडी है, तैयार है ना। का दाम रखे हैं? दाम 1.30 का। देने वाला बताइए। भाई लोग, इस भैंस का कीमत यहाँ पे 1.30 के करीब बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग इस कीमत से ना घबराएं। मेला मंडी में जो कीमत बताया जाता है वो मनमाने ही बताया जाता है, ताकि जो बेचने वाले व्यक्ति हैं उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सके। लेकिन ये इस रेट में नहीं बिकेगी, ये 1 के नीचे ही बिकेगी। ए भाई, चला लो
ठीक हो ना? सब बढ़िया है भाई। कितना में खरीदे हैं भाई? खरीदने भैया 45,000। कितना? 45 40,000 5,000 45,000 में खरीदे हैं। पहले कितना मांगा जा रहा था इसका? इसका मांगा था 58,000 60,000 62,000 58,000 62,000 के आसपास मांगा जा रहा था और 45 में लिए हैं 45,000। बच्चा इसके पास पाड़ा है, पाड़ा है ना? किस जगह से आते हैं आप? मुगल सराय से। कितनी भैंस ले जाएंगे आज? आज छह ले जाएंगे। छह ले जाएंगे, तीन खाए, तीन बाकी अभी हैं। तीन खरीद लिए हैं ना? चलिए ठीक है, और खरीदे हैं हाँ। अगली बार हम वीडियो किए थे जिसमें भाई दो भैंसे दिखाए थे कि तीन भैंसे खरीदे, तीन भैंसे खरीदे थे। भैया क्या नाम है आपका? बेचू यादव। हाँ, बेचू यादव हैं जो कि मुगल सराय से आते हैं और कम बजट में, अच्छी बजट में यहाँ से भैंसों की खरीदारी करके लेके जाते हैं भैया, है ना? ये नई भैंस है, बिल्कुल नई वाले। इसका बच्चा? इसका बच्चा वही पड़ा है, नहीं पाड़ी, पड़िया है ना? पड़िया है, पड़िया देख पड़िया। बच्चा पड़िया। इसे कितने में लिए हैं? इसे लिए हैं 31,000 में। 30,000 1,000। पहले इसका कितना मांगा जा रहा था? 50,000 पहले मांगा जा रहा था और इसे 31,000 रुपये में भैया खरीदे हैं। दो दांत आपकी, दो दांत में दो दांत है ना? कितने दिनों से आ रहे हैं बेचू भैया यहाँ पे? कम से कम यहाँ जब 5 साल थे ना, तब से हमारे, यानी 5 साल के जब थे तभी से आ रहे हैं यहाँ पे। अभी दो लिए हैं ना? दो लिए। कितना ले जाएंगे? 4 2 6 6 भैंसे ले जाएंगे। तो आगे ले जाके सेल करते हैं कि क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। कहाँ कहाँ भैंसी आपकी जाती है यहाँ से? बनारस, हैदराबाद। अच्छा अच्छा, मैनपुरी वहाँ तो भी आते हैं व्यापारी, आते हैं हमारे यहाँ ना। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ समझ लेते हैं, वहाँ से व्यापारी आते हैं, फिर उसके बाद ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब हमारा सेल पहले काम तो वही बीमार होता है। अच्छा, व्यापारी को निकले भाई पारी भी आज पसंद नहीं चुका। यही भाई एक नई भैंस घुमा रहे थे और ये एक दूसरी भैंस को घुमा रहे हैं। ये दिखाने के प्रयास में है कि ग्राहक देखें और पसंद करें और इस भैंस की खरीदारी करें। इस भैंस के पास जो बच्चा है यहाँ पर, परसों रोज का बच्चा पड़िया बताई जा रही है, नया बच्चा है। हम में से और इस भैंस का कीमत यहाँ पे 1,25 भैया बता रहे हैं। एक ग्राहक है जो कि भैंसों की खरीदारी करने के लिए, ये देखिए बातचीत चला रहे हैं। सबसे पहले इस भैंस को देखें, इसके बाद दूसरी बार इसको देखें। इसका कीमत 1,35 बताया जा रहा है और इसका कीमत 1,25 बताया जा रहा है। इसका कितना दाम रखे हैं भैया? एकर दाम भैया 1,40। उनसे 1,35 बोल रहे हैं, हमसे 1,40 बोल रहे हैं, क्या बात है? उनसे 1,35 हम बोल रहे हैं, इसका दाम 1,40 है। सही बताइए भैया। अरे सही बोलिए, सही बोली। कितना? 1,30। 1,30,000 रुपये भैया बता रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया बयान है, पढ़िया 14 पढ़िया बच्चा है, दूध इसका 14 लीटर बता रहे हैं भैया, है ना? ये कितना भी मांग ले, लेकिन मिलेगा उनको वही, है ना? ठीक है ठीक है, ये आपके नज़र से कितने योग्य है भैंस? कितना दाम मांग रहे हैं? वैसे तो 1,30-35 इस तरह से मांग रहे हैं। बच्चा इसके पास पढ़िया है, आपके नज़र से कितने में होने चाहिए? अपना अपना भैया, भैंस वाले की निगाह हमारे निगाह की। सही बात है, बात सही है। आपका धन है, आप कहिएगा हम कैसे कहेंगे। जी आपकी बात बिल्कुल सही, गलती नहीं ना भैया? नहीं नहीं, एकदम सही बोले, लेकिन फिर भी आपके नज़र से कहाँ? हमारे निगाह से तो 1,00,000 के नीचे होगी तो। हाँ हाँ भैया, पत्रकार बंधु। नहीं नहीं सही बोले जी, सही बोले। एक
काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं जो कि भैंसों की खरीदारी करवाते हैं, तो उनकी नज़र से इस भैंस का कीमत एक के नीचे है, ये सत्य बात है। चलिए आगे बढ़ाइए, एकदम सही, इसके चार ढाल में कोई भी कमी नहीं है। भैंसों को इसीलिए घुमा फिरा के देखा जाता है कि इसके कहीं चार ढाल में कोई कमी तो नहीं ना है, है ना, कहीं लूली लंगड़ी तो नहीं ना है, ठीक ठाक है। ये भैंस आराम से चलने फिरने वाली है ना, बिल्कुल गहरे काले रंग की ये भैंस है। अगर इस तरह की भैंस हरियाणा जैसे राज्य में रहे तो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बातों को बताया जाएगा, और जो भाई वीडियो देखने वाले लोग होंगे वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं उस तरह की बातों से। और हमारा प्रयास रहता है कि बातें कम और काम ज़्यादा, इसी क्रम में हम इस मेला मंडी से इस भैंस को दिखा रहे हैं। इसके पास जो बच्चा है, बच्चा पाड़ा है, ये कितने रोज का बच्चा है? आठ रोज का। ये कौन से ब्यान में है भैंस? दूसरा। जरा दूध भी बताइए भैया कि ये दूध कितना देगी भैंस? 14 किलो। क्या गारंटी है कि वारंटी है? गारंटी है, पक्का। और क्या दाम रखे हैं? दाम 1.10 में। 1.10 कहाँ तक हो जाएगी? 1 के आसपास। और ग्राहक कहाँ तक दे रहे हैं, सही बोलिए तो? 95-90। 90 से लेके 95 हज़ार रुपये कीमत लग रहा है, और आप 1 लाख के पे लगे हुए हैं। अगर 1 लाख मिल जाए तो बेचें। काफ़ी अच्छी थनों की बनावट वाली एक ये लंबी और ऊंची भैंस है। भैंसें थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे ये मई महीने बीत रहा है, इसके बाद जून आने वाला है, तो जून में धीरे धीरे इस मेला मंडी में भैंसों की बढ़ोतरी देखने को मिलने लगेगी, है ना। कई ऐसे हमारे जानकार व्यक्ति हैं जो कि इस मेला मंडी में आज नहीं आए हैं, और हमें मालूम चला है कि उनके घरों में शादी ब्याह है। बहुत से भाई चाहते हैं कि उन्हें गाभिन भैंस मिले। ये जो सामने आप लोग दो भैंसें देख रहे हैं, ये दोनों की दोनों गाभिन भैंसें हैं, ये इस मेला मंडी में बिक्री होने के लिए आई है। अरे एक पाटो बन गया। ए बोला ए उ कल रिपीट पे बलिस्टर के तो है ना। बलिस्टर भैया, बलिस्टर भैया, इसे की डेरा बनवा दियो। कितना में बेचे हैं? 72 में बेचे हैं, सही बोल रहे हैं ना, बच्चा पाड़ा है ना, इसे 72,000 रुपये में बताया जा रहा है। 72,000 रुपये में अभी अभी ये भैंस बिक रही है, बिक के जा रही है। जो भाई मुर्रा टाइप की भैंस खोजते होंगे उनके लिए ये भैंस एक अच्छी विकल्प है, है ना, मुर्रा की कैटेगरी में है। इस भैंस के बारे में बताइए भैया, इसका बच्चा क्या है? कौन पड़िया बच्चा है? बच्चा पड़िया है। और ये कौन से ब्यान में है? पहला ब्यान है, दांत में 4 दांत।
पहले भी आते हैं, दांत में चार दांत है ना। दूध भी बताइए, दूध कितना देगी ये? दूध अभी मौके पर 11 लीटर है। मौके पर 11 लीटर, और क्या दाम रखे हैं? दाम तो 1.5 मांग रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक से नीचे बोले? तो वैसे भैंसे हम खरीदारी करते हैं बढ़िया बढ़िया। अच्छा जी, अगर देने वाला बताइए कहाँ तक हो जाएगी? वही में 5,000 कम हो जाएगा। 5,000 कम, तो भी कितना? सही बोलिए, सही बोलिए। हाँ, इसका एक्यूरेट दाम 95,000 है। 95,000, 95,000 रुपए में इस भैंस को यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसके पास बच्चा ये पड़िया है। काफी अच्छी थनों को बनावट वाली एक ये भैंस है। बिल्कुल नई भैंस है, पहले भी कितना बना लू गया फिर पता लगाइए। तो बिल्कुल नई भैंस है, और ये भैंस यहाँ पे बिक्री होने के लिए आई है, पहले भी आते हैं। इसके थनों की बनावट काफी सुंदर, इसके चार ढाल में कोई भी कमी नहीं दिख रही है, ये पहले ही भी आते हैं। इस भैंस की खरीदारी करने के लिए बनारस के एक व्यक्ति हैं, वही लगे हुए हैं, है ना। इस भैंस के पास जो बच्चा है वो पड़िया, अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं, पड़िया ही है। ठीक का दाम रखे हैं इसका? 85 मांग रहे हैं। 85 मांग रहे हैं। अच्छा, आपका नज़र से ये कितने के योग्य है? हमारे निगाह से तो भैया 60 के नीचे में हो जाएगी तो ठीक है, अपना अपना निगाह दिमाग। 60 के नीचे? हाँ हाँ, सही ना? नहीं सही बोले, 60 के नीचे हो जाए तो ठीक ही है भैया। का ही बढ़िया भैंस, का दाम रखे हैं? दाम तो 95 है। 95 रखे हैं, कहाँ तक हो जाएगी? वो तो आप ही ना बताएंगे, लेने वाले ने बताएगा। लेने वाले तो 50 बोल देंगे, 55 बोल दीजिए, क्या करना है तो बताइए कहाँ तक हो जाएगी? हाँ भाई, अपन बताएंगे। सही बोलिए, कहाँ तक हो जाएगी? 85 पे। 85 दाम बोल रहे हैं ना। तो अपना अपना निगाह आदमी, इसके पास जो बच्चा है पड़िया है, है ना। काफी अच्छे थनों की बनावट वाली एक ये नई भैंस, काफी सुंदर थनों वाली ये भैंस है। अगर 60 उठ के करीब आ जाए तो सही रहेगा, अपना अपना निगाह दिमाग, वही अंपायर है। सही सही, मतलब कुछ देवो करना सकी। हाँ।